नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे हिस्से के समानांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, उसने कहा है कि एक आयताकार मैदान है। पहले तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, यह एक आयताकार मैदान हो गया जिसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। ठीक है, इतना उसने हमसे कहा था। तो हम यहां लिख लेते हैं, लंबाई बराबर 125 और चौड़ाई बराबर 75। मीटर में है तो एम लगा देते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमने यहां पर लिख ली हैं। अब आगे वह हमसे कह रहा है कि छोटे हिस्से के समानांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। तो अब आयताकार मैदान का छोटा हिस्सा क्या हुआ, या 75 यानी 75। तो इस 75 के समांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। तो हमने ये बना लिया, इसकी चौड़ाई है 5 मीटर और लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो ही होगी 75। ठीक है, ये समझ में आया आपको। उसने कहा था कि एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे हिस्से के समानांतर, तो हमने इस छोटे हिस्से के समानांतर मैदान के मध्य में, तो बीचों बीच बना लिया है, 5 मीटर चौड़ी, इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मैदान का लंबाई चौड़ाई। अब हम पट्टी की लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, पट्टी की लंबाई L बन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 75 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5 मीटर। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो यहां हम लिखते हैं पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तो हम पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझ में आया कि पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से हम पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैदान का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने कहा है कि पट्टी का क्षेत्रफल, तो पट्टी की लंबाई हमने एल वन मानी थी और चौड़ाई बी वन मानी थी, तो एल वन मल्टीप्लाई बी वन। आगे बढ़ेंगे, लंबाई चौड़ाई की वैल्यू है हमारे पास 125 गुणे 75 माइनस 75 गुणा 5। अब दोनों में से 75 बाहर आ रहा है तो हम 75 को बाहर ले लेंगे, तो 125 माइनस 5, 125 में से 5 जाएंगे क्या बचेंगे 120, गुणा कर देंगे 0, 12 पंच 60 का 0, 6 हुई हासिल, 12 सात 84, 84 6 90, 9000 वर्ग मीटर। ठीक है, यह हो गया पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर बात यही थी कि डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे समझ में आया था। तो जैसे उसने कहा हमने वैसे ही डायग्राम बनाया। उसने कहा 125 मीटर लंबे, तो लंबाई 125 मीटर, और 75 मीटर चौड़े, तो चौड़ाई 75 मीटर हमने लेकर एक आयताकार खेल का मैदान बनाया। अब उसने कहा कि छोटे हिस्से के समानांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है,
छोटा हिस्सा है 75, तो इसके समांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी बना ली। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आयत की क्या थी, आयताकार मैदान की 125 और 75। इस पट्टी की क्या हो गई, लंबाई होगी 75 और चौड़ाई होगी 5। तो हमने लंबाई 75 और चौड़ाई 5 मान के निकाल दिया। अब यहाँ पट्टी के बिना जब मैदान का क्षेत्रफल निकालने बैठे तो क्या किया हमने, मैदान के क्षेत्रफल में से हमने पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आया 9000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।